हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल। तो जी, हम आ गए हैं। और कल देखिए, हमारा ना, हम पहले बता देते हैं, बात करना बहुत ज़रूरी है। कल हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम आप लोगों को रुलाएं हैं। हम खुद ही मतलब बहुत कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को। जजमेंट का कार्ड देख के ना एकदम अपने मतलब थोड़ा थोड़ा इमोशंस बीच बीच में आ ही रहा था, आपको तो पता है। लेकिन जब जजमेंट का कार्ड देखा ना, तो हम आपको अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत बेसब्री से, बहुत शिद्दत से आप लोग कमेंट लिखते हैं ना कि शिद्दत से मैम जस्टिस का इंतज़ार है। तो इसलिए ना, हमें आप लोगों का ख्याल आ गया था कि कितनी तकलीफ़ में हैं आप लोग, और आप लोगों की ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल के बाद आपके अंदर एक होप है कि कर्मा देवता आएंगे और एक टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो जब इस तरीके से रीडिंग में डायरेक्ट भगवान जी ने खुद कम्युनिकेट करके बताया, क्योंकि आपको पता है ना, कल हम गॉड की करंट फीलिंग्स निकाल रहे थे, तो जब भगवान जी ने खुद बताया ना कि बेटा ये है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, खुद स्वयं जजमेंट है, और ये सब चीज़ें जो उन्होंने गॉड की करंट फीलिंग्स थी, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं और क्या बताना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा लगा जैसे खुद ही भगवान जी आके एकदम साक्षात हमसे बात कर रहे हैं। तो जब भगवान जी ने हमें बोला ना कि देखो जजमेंट तुम्हें दे रहा हूँ, तो हम इमोशनल हो गए कि भगवान जी यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, इतना टाइम हो गया इंतज़ार करते करते। तो अब जब भगवान जी ने खुद सामने से हमें इस बात का बता दिया है ना, तो एक बहुत बहुत होप जो है वो बहुत बढ़ गई है। और कि अब तो भगवान जी ने क्लियर कट खुद ही क्लैरिफिकेशन अपने आप, बिल्कुल अपने शब्द खुद जग जाहिर किए हैं। तो कर्मा देवता जजमेंट के तौर पे आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल 2024 में से ज़ोर शोर से आ रहे हैं। इनफैक्ट कल ही हमने आपको बोल दिया था कि ये जब आप रीडिंग देखेंगे, आपका टाइम उसी वक्त से शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपने रीडिंग देख ली तो टाइम शुरू हो गया है। तो अभी जो है, हम क्या रीडिंग कर रहे हैं, आज हम रीडिंग कर रहे हैं, एक तो पहले हम बता देते हैं कौन सा डेक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है द गुड कर्मा टैरो, और यही डेक हमें इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल इंट्यूटिवली गाइड हुआ है, द गुड कर्मा टैरो, क्योंकि आप लोगों के गुड कर्मा के भरने का टाइम हो गया है। मतलब उसके उसके जो हर्जाना है, जो आपने अपने अपने गुड कर्मा अब तक जो भी किए हैं, उसका पूरा हर्जाना जो है सूद समेत आपको भरने का टाइम हो गया है। और भगवान जी आपको ऐसे छप्पड़ फाड़ के देंगे, क्योंकि आप लोग सारे ने अल्लाह के, हमारे खुदा के, हमारे ईश्वर के, हमारे रब के, बाबा जी के, देवी माँ के, है ना, सबके जो है प्रभु ईश्वर के, हमारे सच्चे आप लोग नेक बंदे हैं, और खुदा के नेक बंदे, जाहिर सी बात है, जब बंदा नेक होता है ना, जब गॉड का बच्चा होता है, तो वो भुक्तभोगी होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसको झेलनी पड़ती है। भगवान इसीलिए उसको ना बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, बिल्कुल जो होता है ना आग में तप के जो है चीज़, जो सोना है निखर के आता है, वैसे आप लोगों को तराशा जाता है। तो जो भी है, आप लोगों के जो बुरे दिन है ना, वो गए। खैर, अभी हम ओरेकल कार्ड्स भी चेक करेंगे। ओरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये वाला डेक है एंजल आंसर्स का, दिखा देते हैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये है एंजल आंसर्स ओरेकल डेक है ये। यहाँ पे हमें बॉटम ऑफ द डेक में अचानक से ना, पता नहीं क्यों, ये इम्प्रूविंग हेल्थ दिखाई दिया है। तो पता नहीं सिग्निफिकेंट हो सकता है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आप लोगों में से कुछ लोग अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली इम्प्रूविंग हेल्थ इम्प्रूव हो रही है आपकी, और बस यही है, हैं। तो आज हम रीडिंग किसकी कर रहे हैं, आज हम रीडिंग कर रहे हैं डायरेक्ट क्रिसमस की, यानी कल के लिए, क्योंकि कल ही क्रिसमस है। तो ये रीडिंग अभी यहाँ पे बज रहे हैं पूरे सात, ठीक है, शाम के 7 बजे हैं यहाँ पे दिल्ली में, इंडिया के दिल्ली में, आप जहाँ से भी देख रहे हैं।
और अभी हम वीडियो बना रहे हैं, 7 बज रहे हैं, कितनी देर का वीडियो है पता नहीं, बन रहा है 5 मिनट हो गए हैं, हाँ 5 मिनट दिखा रहा है, और यहाँ पे 7 बज रहे हैं, और कितनी देर में अपलोड होगी पता नहीं, लेकिन वीडियो बना रहे हैं हम स्पेशली कल के लिए, यानी क्रिसमस के दिन में। आप कल के दिन में आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है उससे रिलेटेड ये रीडिंग है, और कल के दिन में क्या हो सकता है मतलब लिटरली सेंटा क्लॉज आपकी लाइफ में कल क्या ला रहे हैं। सेंटा क्लॉज आपसे बात करना चाहते हैं, सेंटा क्लॉज खुद पधारेंगे, कुछ चैनल मैसेजेस हमारे मन में अगर आएंगे तो हम अवश्य वो बताएंगे, अगर नहीं आए तो हम अपनी ही बात रखेंगे, लेकिन अगर हमको ऐसा कुछ लगता है कि बिल्कुल हम फील कर पाते हैं तो हम डेफिनेटली सेंटा क्लॉज की ज़बान मतलब उनके शब्द आपसे ज़रूर शेयर करेंगे अगर वो कुछ बोलना चाहते हो तो। और सेंटा क्लॉज के हिसाब से हम रीडिंग कर रहे हैं कि कल ब्लेसिंग्स के तौर पे वो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा घुटकर्मा टैरो। नॉक करते हैं, सच बताएं हमें ना बड़ा डर सा लगता है, डर मतलब पता है ना आपको, डर तो लगेगा ना, आप मान लीजिए टावर का कार्ड आ गया, अब क्या बोलेंगे हम आपको लेकिन पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है क्योंकि क्रिसमस का दिन है, सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देते हैं, कोई टावर नहीं देते हैं, और वो टावर अगर हुआ भी ना तो वो भी आपकी अचानक से आपकी ग्रोथ के लिए होगा, और वो भी कोई ऐसा टावर होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, खैर हम थोड़ा शफल कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कार्ड नहीं निकालेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं, 3 या 4 कार्ड निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं, आपके सामने शफल कर लेते हैं, कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कुछ चीज़ें रिवील हो जाएंगी कल आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि कई चीज़ें काफ़ी टाइम से ना धुंधल धुंध में है, फॉग जो है वो कोहरा छट जाएगा आपके सामने, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम उभर के जो है क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी कल के दिन। कल के दिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई भी आपकी लाइफ का कोई भी सिनेरियो हो सकता है, जॉब, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ और ट्रैवलिंग अब्रॉड, इंटरनेशनल टूर, अरे कोई भी सिनेरियो मतलब है, तो कल आपको उस पर कल के दिन आपको बेसिकली कल के दिन बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, डायरेक्ट सेंटा क्लॉज बता रहे हैं ये। ठीक है, और देखते हैं, डर सा लग रहा है हमें, होता है ना, अब भुक्तभोगी हैं सब, परेशान है ऑलरेडी हैं, ऊपर से कोई ऐसा कार्ड आए जो और परेशान करे, भगवान जी कार्ड आया, नहीं हम रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोएंगे आज, बिल्कुल नहीं रोएंगे, ये आया है, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, कल सेंटा क्लॉस आपको जस्टिस देंगे कल खुशी, अरे कल कल के दिन आपको जस्टिस मिल रहा है सेंटा क्लॉस, सेंटा क्लॉस है, अरे वाह, हाय आप कल जस्टिस ला रहे हैं हमारे सारे भुक्तभोगियों की जिंदगी में, भर भर के कर्म और इंसाफ, फाइनली कमाल हो गया, कमाल हो गया, बहुत बहुत स्पेसिफिक है कल के लिए, कल का दिन, और आपको पता है इसमें 78 कार्ड्स होते हैं और आपने एक कार्ड देख लिया होगा, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, 0, आपको पता है ना, 0 से ही जो है शुरुआत होती है और फिर वो ऊपर जाता है, 0 से ही हीरो बनता है, और ये अकेले में देखिए इसके हाथ में एक फ्लावर है, फूल की एनर्जी में है, वन मैन आर्मी, खुश, सेल्फ लव वाला इंसान जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सब चीज़ें, कंप्लीट मैन, कंप्लीट मैन, रेमंड वाला ऐड होता है ना, रेमंड द कंप्लीट मैन वो, ये तो बॉटम ऑफ द डेक में हमें ऐसे दिखाई दिया है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहते हैं, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे जिसमें, और हम आपको बता देते हैं कि ये कार्ड एक बार आप देखेंगे ना तो ये एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी एक तलवार है, और ये जस्टिस,
यहाँ पर वो जस्टिस लिटरली जो आपको दिखता है ना दूसरे वाले उसमें डेक में जस्टिस का कार्ड होता है रेड कलर का, वो पहना होता है ना राइडर वेट के डेक में। अरे राइडर वेट का डेक नहीं है जिसके जिससे हम हमेशा रीडिंग करते हैं, और उसमें जस्टिस के कार्ड में जो जज बैठा होता है ना रेड कलर की ड्रेस में है, और उसके सामने दो ऐसे गंजे नहीं होते टकले से सामने होते हैं, और तराजू जस्टिस का कार्ड होता है। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि ये मेंटल क्लैरिटी आपको कल मिल जाएगी किसी चीज़ में बहुत अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने भी तलवार पकड़ रखी है, सिर पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा अवेकनिंग चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर भी ये तलवार है, यहाँ पर भी बहुत सारी रेज है, इसकी अवेकनिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। माइंड बिल्कुल माइंड सेट खुल जाएगा, दिमाग की बत्ती एकदम जल जाएगी, और सारी क्लैरिटी सारे धुंध जो भी आपकी लाइफ में आप लोग अंधेरे में थे ना वो सारे जो अंधेरा है वो छट रहा है। जस्टिस आ रहा है, जस्टिस कल के दिन आ रहा है, कल के दिन जस्टिस आ रहा है, मतलब 25 तारीख को जस्टिस आ रहा है। अरे बताइए अगर अगर ऐसा सच में, मतलब भगवान जी बता रहे हैं कि 11/11 देख लिया हमने, मतलब दिख गया जस्टिस, मतलब तो भगवान जी ने कल का दिन तय किया है तभी कई लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो कल के दिन आ रहा है जस्टिस है। होपफुल रहिएगा, आ जाएगा आ जाएगा, सबकी जिंदगी में जस्टिस आएगा कल। एक लास्ट कार्ड लेते हैं, देखते हैं। आप लोग हमारे साथ ना रोया मत करो है, हमें बहुत दुख होता है आपके कमेंट्स पढ़ के कि मैम हम ना आपको देख के हम भी बहुत रोए, हमारा कोई मतलब मकसद नहीं होता, हम तो आपको हंसाने आते हैं आपको तो पता है ना। चलिए हम देखते हैं। सेंटा क्लॉज कल के दिन और क्या दे सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कल के दिन है। ठीक है ये कार्ड फ्लिप हुआ है, ठीक है तो दिखा देते हैं हम आपको। टेम्परेंस है, टेम्परेंस आपके साथ, आप जहाँ जाएंगे कल के दिन, कल के दिन मतलब अब से आज की डेट से आप बिल्कुल एंजल एंजल्स द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप बिल्कुल आपका जो ऑरा है एक शील्ड में प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। टेम्परेंस एंजल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे एंजल्स का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा, आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन एंजल्स आपके साथ हमेशा होंगे जहाँ पे भी आप जाएंगे, बस टॉयलेट ना जाए हमारे साथ। बैलेंस आपको पता है ना ये बैलेंस का कार्ड होता है बहुत ज्यादा डिवोटेड प्रेयर, और बिल्कुल जिसका जिसका ऑरा होता है ना जो बहुत अपने आप को प्रोटेक्शन में एक शील्ड में ढाल लेता है, तो ये वो है। आप प्रोटेक्टेड, पूरे साल भर की रीडिंग है ये, ठीक है पूरे साल भर की रीडिंग है, सिर्फ लिटरली कल के दिन की बात नहीं कर रहे हम, सेंटा क्लॉज आपसे बात करने आया ना लिटरली वो पधारे हैं और ये बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इंद्रधनुष मतलब लाइफ आपकी इतनी कलरफुल हो जाएगी, जिसका आपने बोला था ना कल तजव्वुर नहीं किया होगा, तजव्वुर। और ये आप इनके इनके पीछे आप देख सकते हैं कितना कितना सुकून आपकी ज़िंदगी में फाइनली वो सुकून देने आ रहे हैं, तो कल से आपके ज़िंदगी में ना सुकून शुरू हो जाएगा है सच में। है हमको तो और कुछ चाहिए ही नहीं, हमको तो सुकून ही चाहिए। ये देखिए ना, ये देखिए ना, यहाँ पर जो है ये इंद्रधनुष बन रहा है, कितना अच्छा मौसम है, बादल नेचर है, यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी है और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पेड़ पौधे हैं, नेचर है, कितना सुकून, कुदरती कुदरती नेचुरल नेचुरल है, तो मतलब ये है। तो भगवान जी आपकी ज़िंदगी में कल सेंटा क्लॉज बेसिकली कल क्रिसमस के दिन तो सिर्फ देंगे ही देंगे, कोई क्लैरिटी मेंटल क्लैरिटी डेफिनेटली आपके सामने कुछ ज़रूर कुछ रिवील हो सकता है, कोई भी क्लैरिटी कोई भी सिनेरियो का कुछ भी आपको जिसका पता चल जाएगा, लाइक लिटरली आपको पता चल जाएगा। और इसका बॉटम ऑफ द डेक हमें दिख गया तो हम कोई और कार्ड नहीं निकालेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि
रंग में भंग पड़े, आपको पता है ना, हम डर जाते हैं। अगर कोई, अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा कार्ड आ गया तो हमारा जो है मूड ख़राब हो जाएगा। आपको पता है ना कि एंजल्स के साथ साथ बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, स्पिरिट होते हैं, साथ ही साथ कुछ डेविल्स भी होते हैं जो रीडिंग पे भंग डालने के लिए आतुर होते हैं, तैयार होते हैं। लेकिन कल कल का दिन आप लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से गुजारेंगे, कल का दिन बहुत अच्छा रहने वाला आपका है। और ये 10 ऑफ कॉइन्स है, आपको पता है 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स हो सकता है आपको सेंटा जी पैसे भी दे कल, है कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली बहुत सारा हो सकता है, तो पैसा आए कहीं से भी, अनएक्सपेक्टेड इनकम आए सेंटा क्लॉज की तरफ से, गिफ्ट्स भी आप रिसीव करेंगे कल, हैं कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, कोई ब्लेसिंग्स लोगों की। देखिए दुआएं सबसे सबसे बड़ा गिफ्ट पता है क्या होता है, दुआ होता है, दुआ हमारे लिए ना सबसे बड़ा गिफ्ट दुआ ही है, क्योंकि उसी से अबंडेंस, उसी से फाइनेंशियल गेन, उसी से सब होता है। किसी को आप दुआ देंगे ना दिल से अच्छी वाली, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ा गिफ्ट होता है 10 ऑफ कॉइन्स। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको कल मिलेगी, लोगों से बहुत सारी दुआएं आपको मिलेगी कल, और सेंटा क्लॉज खुद ये सब बरसात करेंगे आपके ऊपर, आप क्या ही चाहते हैं। और है मेंटल क्लैरिटी, जस्टिस कल के दिन, टेम्परेंस कल के दिन, और ये 10 ऑफ कॉइन्स कल के दिन। भाई कल के दिन तो लॉटरी है, मतलब लिटरली जी इन्होंने बता दिया है कि क्या नाम है इनका, सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज ने बता दिया है कि घबराने का नहीं। हालांकि डेविल, हमने सही बोला था, पता है सही बोला था, क्यों बोला था हम बताएं आपको। अभी रुकिए, ये कार्ड जब हम रख रहे थे ना तो इसके नीचे आप देखेंगे क्या है, हम ऐसे ही नहीं कहते, देखा नज़र लगाने के लोग बैठे होते हैं नेगेटिव एनर्जी, बट ये हमें दिखाई दिया है, हम यहीं पे रीडिंग समाप्त करेंगे। वो तो कार्ड रख रहे थे ना तो वो एकदम से, आपको पता ना स्लिपरी कार्ड है, तो रखते हुए जैसे ऐसे करके ये फिसल के आया, तो ये हमें दिख गया, तो हम आपको तो बताएंगे ही ना। ये देखिए डेविल, ये साला डेविल, इसको तमीज़ तो है नहीं है, इसको आप बुलाएंगे नहीं ना ये फिर भी आएगा, बहुत ही ढीठ आदमी है ये डेविल, और इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। डेविल को तो तमीज़ नहीं है, लेकिन हमारे एंजल्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिवाइन है, बहुत प्योर है, तो एंजल्स जो हैं वो डेविल का सफाया कर देंगे, हमारे भगवान जी, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु जो है डेविल को भगा देंगे। और आपको तो पता है कि कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज ना 10 ऑफ कप्स है, लेकिन 10 ऑफ कप्स के पीछे है डेविल, मतलब छुपा हुआ है। देखिए साला हमेशा छुप के ही वार करता है, कभी सामने से तो वार करेगा नहीं, डरपोक है साला डेविल, अगर सामने आएगा तो बहुत पिटेगा ना, इसलिए सामने से कभी नहीं आता, पीठ पीछे ही बैक स्टैबिंग करता है, पिटेगा साला, भगवान जी लात मारेंगे ना तब पता चलेगा। खैर जो भी है, डेविल की बात क्यों करनी, वैसे भी आपको तो पता है रीडिंग कितनी अच्छी आई है, और वैसे भी ये सेंटा क्लॉज आपको ये सब चीज़ें कल देंगे, कल के दिन पर्टिकुलरली कल के दिन स्पेसिफिक हम बता रहे हैं, कल के दिन ये होके रहेगा। और पता है ना, हम बाकी टैरो रीडर्स की तरह ऐसे वो थंबनेल में नहीं लगाते, कल के दिन ये होके रहेगा, 2 घंटे के अंदर कॉल आके रहेगी, लेकिन आज हम बोल रहे हैं, और हमारे जबान पे ना सरस्वती माँ विराजमान हो, ऐसी हम कामना करते हैं, इसलिए हम दोबारा बोलेंगे जो जो हमने बोला है, एस ऑफ सोर्स, जस्टिस, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कॉइन्स, कल ये होके रहेंगी क्रिसमस के दिन। आप लोग अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे, कुछ आपको डेफिनेटली जस्टिस के तौर पे कुछ आपको पता चलेगा किसी के बारे में कर्मा के तौर पे, और आपको खुशी मिलेगी कि फाइनली आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिला है, कुछ ऐसा तो डेफिनेटली होगा। देखिए सिर्फ एक लाइफ का एक सिनेरियो में जस्टिस नहीं होता है, भुक्त भोगी है, बहुत सारे सिनेरियो होंगे, बहुत सारे सिचुएशंस में डेफिनेटली आप लोगों को कर्मा चाहिए होगा, सिर्फ एक में नहीं चाहिए होता है, भुक्त भोगी ना बहुत बहुत भुगत रहे हैं, तो किसी ना किसी सिचुएशन में आपको कर्मा का कुछ 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 पता चलेगा। टेम्परेंस भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको भरपूर रहेगी। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं एंजल आंसर से, ठीक है इससे क्या आ रहा है, एंजल आंसर से एक ओरेकल कार्ड लेंगे और रीडिंग को रैप अप करेंगे। सेंटा क्लॉज ने डायरेक्ट ये आपको जो है कल के लिए गिफ्ट बता दिया, उन्होंने सरप्राइज तो रखा ही नहीं, सेंटा क्लॉज ने सब कुछ रिवील कर दिया है, सेंटा
हो, सेंटा क्लॉस आ गए और उन्होंने बस बता दिया है कि कल के दिन तुम्हारे लिए मैं ये गिफ्ट ला रहा हूँ। ये भी कार्ड्स नहीं आते हैं हमें, शायद इन टूट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पर मुझे डर लग रहा है। ओके, वो डरने की बात नहीं है, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी एंजल बनी हुई है, विंग्स के अंदर, विंग्स के अंदर, एंजल विंग्स के अंदर। हमने बोला ना आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। हमने आपको बोला ना होपफुल रहिएगा, अपनी आशाओं को बिल्कुल भी, अपनी उम्मीद मत खोइएगा, उम्मीद मत खोइएगा, गिव अप मत कीजिएगा, जस्टिस मिलके रहेगा। ठीक है, और वो भरोसा ना वो आप पर निर्भर करता है कि आपको कितना भरोसा है एंजल्स पे। तो ये इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हमारी बात को मानते हैं और कितना आपको इस बात पे यकीन है। कहने का मतलब ये है। और बॉटम ऑफ द डेक भी हम आपको दिखा देते हैं क्या है, ये है, ये उल्टा दिख रहा होगा आपको लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं, नो नीड टू वरी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे है इट्स अप टू यू। तो आप समझ गए होंगे, ये भी आ गया है ना, नो नीड टू वरी, इसका मतलब हम आपको क्या ही समझाएं, नो नीड टू वरी, समझ जाइए। ठीक है, अच्छे खासे इंटेलिजेंट है आप, आपको सब पता है। तो चलिए, सांता क्लॉज की रीडिंग यही है। अच्छा, सांता क्लॉज ने एक, मतलब एक मैसेज हमको ऐसे माइंड में एकदम डाउनलोड हुआ है, ऐसे ऐसा जैसे लगा जैसे कोई बोला हमको, इंतज़ार मत कीजिएगा, पता नहीं किसके लिए है, जो बोला है ना बस उसको सुन लीजिए, खुश हो जाइए, क्लेम कर लीजिए कि बस ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, इंतज़ार मत कीजिएगा। सुबह उठ के ही पता चले आप लोग ऐसे बैठ गए, वो होता ना ऐसे हेरा फेर, फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी में उसका दरवाजे पे ना अक्षय कुमार इंतज़ार कर रहा होता है ऐसे, आप ऐसे इंतज़ार मत कीजिएगा कि कर्मा देवता कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अपना चाय पीजिएगा, नाश्ता कीजिएगा, दिन भर के सारे कार्य जो भी आपके दिनचर्या है उस हिसाब से काम कीजिएगा, कर्मा देवता अपने हिसाब से आएंगे, अचानक से आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो भगवान जी ने ना कसम खा ली है, पता है इस बात, तो भगवान जी ने पक्का कसम खा ली है कि वो ना ये देकर रहेंगे। 78 कार्ड्स होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, 78 कार्ड में से ये कार्ड निकलता है ना सबसे ज़्यादा खुशी होती है हमें। बाकी टैरो रीडर्स को पता है, टू ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड देखते हैं ना वो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन हमको ये जस्टिस और जजमेंट देके खुश होते हैं, भुक्त भोगी है ना, हमको ये चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आपके लिए भी हम यही दुआ करते हैं, सबसे पहले ये आ जाए उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएगी, कर्मा चाहिए, कर्मा मिलना चाहिए। तो ठीक है, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो, बाकी अगर नहीं भी मिली है तो घबराइए मत, कल मिल जाएगी। बस एंजल्स पे भरोसा रखिए, एंजल्स पे पूरा भरोसा रखिए, नो नीड टू वरी, और इट्स अप टू यू। ठीक है, और हमने आपको बता दिया है, अच्छाई पे ना बुराई कभी भी नहीं जीत सकता है, सही बोला हमने, अच्छाई पे बुराई नहीं जीत सकता है, बुराई पे, हाँ सही तो बोला, अच्छाई पे बुराई थोड़ी जीतेगा, अच्छाई पे अच्छाई तो जीतेगा, तो बुराई हमेशा हारता है, कहने का मतलब ये है। तो कितना भी डेविल आए, कितना भी नेगेटिव एनर्जीज आए, होना वही है, होना वही है जो ये चाहेंगे हमारे जीसस, समझ गए, होना वही है जो ये चाहेंगे, बाकी कोई डेविल कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अभी हम चलते हैं, बहुत ही क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर रीडिंग थी, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि हम और भी आपको जो बताए बताए बताए, बहुत बेहतरीन है। सेंटा क्लॉस ने साफ सीधे लफ्ज़ों में ये चीज़ें बताई है, जस्टिस का कार्ड दिखा दिया है और ये एस ऑफ सोर्ड्स भी उन्होंने दिखा दिया है, बता दिया है, तो ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव
वेरी गुड, ठीक है, ये बात कभी मत भूलिएगा, क्योंकि कर्मा जो है वो आपके इसी 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 चीज़ पे चलते हैं कि आप लोगों के कर्मा कितने अच्छे हैं। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ये हमेशा याद रखिएगा और इसी चीज़ के साथ आगे बढ़िएगा, इसी चीज़ के साथ चलिएगा, ये कभी नहीं आप अपने दिमाग से निकालें और इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं और हम जो है सामान रखते रखते बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो कल पता नहीं क्या रीडिंग लाएंगे, क्रिसमस की रीडिंग हमने आज कर दी है क्योंकि पता नहीं है, हम आज इसीलिए गाइडेड थे और ये गुड कर्मा वाला टैरो ही हमको जो है बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। बहुत इंट्यूटिवली हमने सोच लिया था कि सेंटा क्लॉज वाली रीडिंग आज करेंगे, सेंटा क्लॉज क्या कल देने वाले हैं, लिटरली हमने आपको सारे गिफ्ट रिवील कर दिए, बताइए सेंटा क्लॉज जी क्या ही सरप्राइज़ देंगे, सब कुछ हमने बता दिया कि वो कल आपको क्या देने वाले हैं। और ये वाला टैरो डेक का इस्तेमाल किया हमने, द गुड कर्मा टैरो, पता नहीं हमें ऐसा लग ही रहा था कि कर्मों का हिसाब होने वाला है तो हम ये वाला टैरो डेक इस्तेमाल करें, और जस्टिस का कार्ड भी आ गया, लाइक लिटरली पता नहीं आजकल भगवान जी की दया से ना हम जो जो बोल रहे हैं ना वो हो रहा है लोगों की ज़िंदगी में, बस बस सबकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर खुश रहेंगे ना तो हम भी खुश रहेंगे, बहुत खुश। पता है आप लोग जब खुश होते हैं ना हमको आपसे ज़्यादा डबल खुशी होती है कि हमने बोला था और ये हो गया, वाह। तो कल का दिन बहुत मंगलमय है, बहुत शुभ है, दोबारा बोल देते हैं सरस्वती माँ हमारे जुबान पे विराजमान हो सकती हैं, कल आपको जस्टिस, एक क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छे से, ठीक है, चीज़ें कुछ रिवील होने के आसार हैं बहुत ज़्यादा, टेम्परेंस बैलेंस पूरा रहेगा, एंजल्स द्वारा प्रोटेक्शन आपके ऊपर रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा भी आपकी लाइफ में बहुत भर भर के आएगा और कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिससे आप अलग से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। हैप्पी फैमिली, हैप्पी टाइम आप लोग कल घर वालों के साथ स्पेंड करेंगे, बहुत खूबसूरत समय आपका रहेगा, जीसस और सेंटा क्लॉज भर भर के आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ठीक है, और हमारी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हमेशा है ना। तो चलिए अभी हम चलते हैं अभी के लिए। अरे हाँ, टैरो क्लासेस से आप रिलेटेड हम बता देते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं, कल कल से एनरोल बुकिंग शुरू हो जाएगी, 25 तारीख है ना, तो कल का दिन अच्छा है, इसलिए हमने सोचा कि आप 25 तारीख को अगर एनरोल कराते हैं तो ज़्यादा आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, इसलिए जो है हमने इतने दिनों तक आप लोगों को टाल के रखा था कि हम बताएंगे हम बताएंगे, आई लेट यू नो आई लेट यू नो, आपको मेल करते थे ना जिन जिन से हम बात कर रहे हैं उनको पता होगा, हम सबको मेल पे कह रहे थे आई लेट यू नो आई लेट यू नो। तो अब जो है 25 तारीख है कल, कल आप एनरोल करा सकते हैं, और जनवरी के जब हम क्लास शुरू करेंगे तब तो आपको पता ही है संडे संडे को क्लास हुआ करेगी और जूम पर क्लास हुआ करेगी, बाकी आप लोग एनरोल करा सकते हैं बिल्कुल, कल से बिल्कुल आप एनरोल करा सकते हैं, एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगी कल से, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, और रीडिंग के लिए भी आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी बुक कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं karmatarot1111@gmail.com पे, ठीक है। तो हम चलते हैं, खुश रहो, हमारे खुदा के नेक बंदो, हमारी माता रानी के सच्चे परिंदो हैं, हमेशा खुश रहो प्यारे ईश्वर के प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।